आज का हमारा स्टोरी है डैनियल इन द लॉयंस डेन। ये है डैनियल जो कि एक बहुत ही मेहनती और ईमानदार आदमी था। डैनियल परमेश्वर से दिन में 3 बार बातें करता था और हमेशा परमेश्वर से मदद मांगता था। डैनियल बेबीलोन के राज्य में बहुत सालों से काम करता था और वहाँ के राजा दारा ने डैनियल की ईमानदारी को देखते हुए उसे पूरे राज्य में अधिकार देने का सोचा। इस बात पर बाकी लोग डैनियल से जलने लगे और उसके खिलाफ कुछ गलतियां ढूंढने लगे, पर उन्हें ऐसा कुछ भी नहीं मिला। तब उन्होंने सोचा कि हम राजा से कहते हैं कि वे ऐसा आदेश निकाले कि अगले 30 दिन तक कोई भी किसी भी परमेश्वर या मनुष्य से प्रार्थना नहीं करेगा और जिसने ऐसा किया उसको शेरों की गुफा में फेंक दिया जाएगा। जब ये बात डैनियल को पता चली तो वे अपने कमरे में जा कर के परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर परमेश्वर से प्रार्थना और धन्यवाद करने लगा। और इस बीच जितने लोग थे जो डैनियल के खिलाफ चुगली करते थे उन्होंने जा कर के देखा और यह बात राजा को बताई कि आपके आदेश निकालने के बाद भी डैनियल अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर रहा था। तब राजा ने आज्ञा दी कि डैनियल को गुफा में डाल दिया जाए और डैनियल से कहा कि अब तेरा परमेश्वर ही तुझे बचाएगा। अगले दिन सुबह होते ही राजा गुफा के निकट आया और उसने डैनियल को आवाज लगाई। तब डैनियल ने राजा को बताया कि मेरे परमेश्वर ने अपने दूतों को भेजकर शेरों के मुंह को ऐसा बंद किया कि उन्होंने मुझे कुछ भी चोट नहीं पहुंचाया। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ और डैनियल को उस गुफा से बाहर निकाला और इस तरह से डैनियल के विश्वास ने डैनियल को शेरों से बचा लिया।